चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी समेत जजेस के खिलाफ शिकायत सुनी जाएगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा, आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा, कहा मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जजेस तैनाती के खिलाफ केस, जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा, जज ने सिक्योरिटी खदशात के हवाले से जो खत लिखा उनके पास क्या मालूमात थी, क्या स्पेशल रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर की गई। अटॉर्नी जनरल बोले, ये बात अमूमी तौर पर पब्लिक डोमेन में थी और अदालत को भी इसका इल्म था। रिमांड के लिए भी जज को जेल जाना पड़ा तो उन्हें इस बात का एहसास था। शामुमुद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू, दरख्वास्त में जमानत बादस गिरफ्तारी की सदा, कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, बेबुनियाद और सियासी मुकदमा बनाया गया। स्मोक से जान ना छूटी, लाहौर की फजा मजीद जहरीली हो गई। आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 रिकॉर्ड, कराची भी फजाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट का अब से जनवरी के आखिर तक हर हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम तेज, बिलावल भुट्टो आज नौशहरों के इलाके पब्बी में जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल, 20 फीट ऊंचा और 40 फीट चौड़ा स्टेज तैयार, 8000 कुर्सियां लगा दी गई। जलसागाम में पार्टी परचमों की बहार, कारों की आमद का सिलसिला जारी। सियासी जमातें और उम्मीदवार, नजरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ बात नहीं करेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की तस्दीक से इज्तनाब किया जाएगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता अख़लाक़ तैयार, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता अख़लाक़ इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही जारी करने का फैसला। जमात इस्लामी का 30 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों का मार्च करने का ऐलान, कहा फलस्तीन में हजारों बच्चे शहीद हो गए। वर्ल्ड कप के फाइनल में स्टेडियम में घुसने वाले नौजवान ने दुनिया को पैगाम पहुंचा दिया, बदकिस्मती है कि गैर मुस्लिम जाग गए मगर हमारे सोए हुए हुक्मरान ना जाग सके। बीवी को हक में ना देने पर शोहर को 1,00,000 रुपए जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल अदालत में केस चलाने और हक में ना देने पर जुर्माना किया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम से कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें, 30 रोज में हक में अदा ना किया तो कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बढ़ती हुई आवामी शिकायत पर एक्शन, सीडीए का सेफ सिटी कैमरों का कंट्रोल संभालने का फैसला। सेफ सिटी कैमरों से शहर में सिविक सर्विस की मॉनिटरिंग की जाएगी, सफाई इंतजामात, सीवरेज, वाटर सप्लाई, गटरों के ढकनों को मॉनिटर किया जाएगा। आंधी तूफान में सड़कों पर पानी खड़ा होने और गिरे दरख्तों को भी हटाया जाएगा।